हेलो टीम, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम। तो ये इसका फ्रंट एंड रहेगा, मैं आपको फ्रंट एंड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट है, वो कंटेंट को आपको चेंज करना है। ऑनलाइन पेमेंट, टेक लोन, डिपॉजिट, ट्रांसफर मनी, वो सब कुछ इस सॉफ्टवेयर के साथ कर सकता है। यहाँ पे आप अबाउट अस, आवर सर्विसेज, वो सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे हमने कुछ प्लान बनाए हुए हैं FD के, वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। यहाँ पे डिपॉजिट का है, यहाँ पे आप डिपॉजिट का देखना है, लोन स्कीम आपको देखनी है, वो आप देख पाओगे। ये सारे कंटेंट को आप चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वो पूरे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे ये इसका अबाउट अस, सर्विसेज, FAQ, कॉन्टैक्ट, जो भी आपको चेंजेस करना है, ये कंटेंट चेंज करना है, वो भी पॉसिबल है, वो पूरा हो जाएगा। आपको क्रिएट एन अकाउंट करके यहाँ पे अपने आपको रजिस्टर कर सकते हो। अभी मैंने एज ए यूजर ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, तो अभी मैं जो हूँ यूजर के इंटरफेस में हूँ, यूजर का डैशबोर्ड है ये। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, अवेलेबल बैलेंस आप चेक कर सकते हो, कितना हमने डिपॉजिट किया है, कितना विड्रॉल है, कितने ट्रांजेक्शन किए हैं वो देख सकते हैं। इसको ओपन करूंगा तो उसमें ट्रांजेक्शन का डेटा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ पे FDR कितना है, DPS कितना है, कितना लोन चल रहा है, लेटेस्ट क्रेडिट का डेटा, डेबिट का डेटा देख पाओगे। लोन्स का आ गया, लोन्स आप देख सकते हो यहाँ पे, लोन एंड प्लान नंबर, अमाउंट कितना है, इतना हमें पे करना है, हमें हर 30 दिन में इतना पे करना होगा, कितना हमने दिया है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है वो आप यहाँ पे देख पाओगे, पेड कितना किया है, कितनी रिमेनिंग है रनिंग, इंस्टॉलमेंट भी आप क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो, 3 डॉट पे हम यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे पूरे ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, ये हो जाएगा, यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हो। इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ माई लोन लिस्ट, इसी में माई लोन लिस्ट आ जाएगा और लोन्स के प्लान आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी की चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लेटेस्ट क्रेडिट वगैरह आपको चेक करने हैं, लेटेस्ट डेबिट चेक करने हैं। अगर आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट में क्लिक करेंगे, ऐड डिपॉजिट करके चेक, ऐड डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं वो आप यूज कर पाओगे। डिपॉजिट का गेट वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, नेम यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांजेक्शन नंबर, डेट एंड टाइम, अमाउंट कितना है, उसमें कितना है अमाउंट आपका चार्ज कटेगा, टोटल कितना रिसीव होगा, कन्वर्टर आप यहाँ पे देख पाओगे, कितने टाइम हो गया, यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके बाद डिपॉजिट करना है आपको, विदड्रॉल करना है, आप यहाँ पे विदड्रॉल कर सकते हो, विदड्रॉल मनी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेथड हमने जो भी डाला होगा मेथड आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, लिमिट चार्ज एंड अदर डिटेल्स, जैसे अभी मुझे करना है ये करना है, उस पर कितना चार्ज जाएगा, कितना रिसीव होगा, सबमिट करेंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हमने इसको सिलेक्ट करना है जो हमने डाला हुआ है। अभी हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, अभी जो फॉर्म है हमने केवल टेस्ट फॉर्म बनाया हुआ है, आगे जाके इस फॉर्म को आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, जो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। अभी इसके FDR का प्लान, अगर आपने FDR प्लान लिया हो तो माई FDR प्लान में डेटा मिल जाएगा, DPS है, लोन है, ट्रांसफर है, और मोस्ट में जाके आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को चेंज करना है, टू फैक्टर है चेंजेस रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, टू फैक्टर ऑथराइजेशन, चेंज पासवर्ड है, ट्रांजेक्शन आपको चेक करनी है, सपोर्ट टिकट आपको लगानी है वो आप कर सकते हो, इसमें ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी किसी को आपको मनी ट्रांसफर करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, स्वाइप बैंक है, अदर बैंक को करना है आप अदर बैंक में भी जाके कर सकते हो। बेनिफिशियरी चाहिए, बैंक सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप शॉर्ट नेम, अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर हम यहाँ पे डालेंगे एंड देन सबमिट। अगर स्वाइप बैंक से ही है तो स्वाइप में जाएंगे, यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करेंगे उसका एंड देन ऐड, इस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसका एडमिन पैनल का डैशबोर्ड आ जाता है ये। तो यहाँ पे आप टोटल यूजर, एक्टिव यूजर, ईमेल अनवेरीफाई, मोबाइल अनवेरीफाई, इस तरीके का आप डेटा यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप मंथली डिपॉजिट, विदड्रॉल रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, लॉग इन बाई ब्राउजर एंड वो ऑल चेक कर पाओगे। आपको एक्टिव यूजर का डेटा चेक करना है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डिटेल्स पर क्लिक करोगे यहाँ पे उसका बैलेंस, डिपॉजिट एंड वो सारा डेटा आप चेक कर सकते हो। बैलेंस आपको उसका प्लस माइनस करना है, लॉगिन चेक करना है, नोटिफिकेशन चेक करना है, बैन यूजर करना है और लॉग इन एंड यूजर करके भी चेक कर सकते हैं। ईमेल, मोबाइल, KYC वगैरह आपको चेक करनी है, इसका ईमेल वेरिफिकेशन इनेबल डिसेबल करना है, KYC है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको इनेबल डिसेबल करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसका एक्टिव के बाद आप यहाँ पे कंप्लीट यूजर का डेटा चेक करना है, नोटिफिकेशन टू ऑल आप सेंड कर सकते हो, डिपॉजिट है तो किसी ने डिपॉजिट की रिक्वेस्ट है तो वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। आपको यहाँ पे आ जाएगा नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट क्या रहेगा, आप यहाँ पे पेंडिंग है तो पेंडिंग चेक कर सकते हो, डिटेल में जाके आप उसको अप्रूव करोगे वो अप्रूव हो जाएगा।
आप जब तक किसी भी चीज को अप्रूव नहीं करोगे वो अप्रूव नहीं होगा एंड वो रन नहीं करेगा। इसके बाद ऑल डिपॉजिट कर देता, आपको चेक करना है यहाँ पे कितना सक्सेसफुली हुआ है, कितना पेंडिंग में है, कितना रिजेक्ट किया हुआ है वो देख सकते हो। विदड्रॉल का है तो विदड्रॉल का डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मनी ट्रांसफर का रहेगा, मनी ट्रांसफर का आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। अदर बैंक है तो यहाँ पे आप अदर बैंक का डेटा डाल सकते हो, जैसे HDFC, ICICI, वो बैंक डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हो। वायर ट्रांसफर सेटिंग्स में आप यहाँ पे डाल सकते हो मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, फिक्स परसेंटेज क्या रहेगा, चार्ज डेली लिमिट कैसा रहेगा, वो हम यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हैं। वायर ट्रांसफर के लिए यहाँ पे फॉर्म है जो हमने एक टेस्ट करके डाला हुआ है अभी के लिए, आपको कोई भी बनाना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं एनयू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि जो हमें फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए डालना है वो टेक्स्ट में डालना है, टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे कि आपकी एज तो 18+, तो यहाँ पे आ जाएगा येस एंड नो का ऑप्शन, तो येस करेगा। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, चेकबॉक्स कर सकते हो, रेडियो कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। फाइल में क्या रहेगा, रिक्वायर कर दिया या आधार कार्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे बनने को अगर वो आधार कार्ड अपलोड होना करना है आपको तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी फाइल फॉर्मेट के थ्रू वो कर सकता है, ऐड कर देंगे तो ये फाइल फॉर्म में ऐड हो जाएगा। ये देखिए अकाउंट नेम होना कंपलसरी है, अकाउंट नंबर होना कंपलसरी है वायर ट्रांसफर के लिए, आधार कार्ड नंबर कंपलसरी है, तो वो हम यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हैं। आप एडिट डिलीट कर सकते हो उसको। ब्रांचेस आपको डालने हैं, ब्रांचेस आप यहाँ से डाल पाओगे ब्रांचेस का डेटा। आप ब्रांचेस के यूजर्स आपको बनाने हैं, आप यहाँ पे एड न्यू करेंगे, यहाँ से डिटेल्स डालेंगे, ब्रांच का यूजर तैयार हो जाएगा। आपको इसका डिटेल चेक करना है वो आप यहाँ पे कंप्लीट चेक कर पाओगे। यहाँ पे डेजिग्नेशन वगैरह आपको मैनेज करनी है वो कर सकते हो। यहाँ पे FDR का प्लान, DPS प्लान और लोन प्लान वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एडिट करना है, डिसेबल करना है और डिलीट करना है या एड प्लान करना है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। FDR का यहाँ पे देख सकते हो, रनिंग FDR, ड्यू FDR, क्लोज हो चुका है, ऑल का आपको चेक करना है वो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आता है DPS का आपको मैनेज करना है, लोन्स का तो पेंडिंग लोन है, रनिंग है, ड्यू है, रिजेक्टेड है वो देख सकते हो और ऑल लोन का डेटा आप चेक कर पाओ। ये आगे आपका ये अभी ड्यू अमाउंट चल रहा है इसका, यहाँ पे आप जाएंगे इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल्स पूरा चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको इसको इंस्टॉलमेंट में जाके इंस्टॉलमेंट का कंप्लीट देख पाओगे। यहाँ पे लोन का नंबर क्या है, टैक्स क्या है, कितना अमाउंट है, कितना पर इंस्टॉलमेंट रहेगा, इस तरीके से पर डे रुपये हम 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे डाल सकते हैं, सारा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ इसके डिटेल्स में जाके यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं, पूरे ऑप्शन हैं। तो लोन्स का हो जाएगा, लोन्स का पेमेंट गेटवे है, तो पेमेंट गेटवे जो हम यूज कर रहे हैं मैं वो बता देता हूँ पहले। यहाँ पे फ्लटर वेव है, इंस्टामोजो है, मॉली है, पेपाल है, पेस्टेक है, पेटीएम है, रेजर पे है, स्ट्राइप है, तो जो भी आपको यूज करना है आपको की डालिए उसके बाद पूरा वर्किंग रहेगा। इसके सपोर्ट टिकट सपोर्ट टिकट है तो वही सपोर्ट टिकट रेज करता है तो उसका डिटेल्स आ जाएगा। रिपोर्ट आपको चेक करनी है तो रिपोर्ट चेक कर सकते हो, ट्रांजेक्शन लॉग इन नोटिफिकेशन हिस्ट्री, सब्सक्राइबर का डेटा आ जाएगा। जनरल सेटिंग्स में आपको यहाँ पे करेंसी का सिम्बल्स वगैरह चेंजेस करने हैं, अकाउंट नंबर का प्रेफिक्स डालना है, लेंथ आपको सेटअप करनी है, OTP की एक्सपायरेशन टाइम आपको रखना है, नंबर ऑफ लिमिट, डेली लिमिट क्या रहेगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ट्रांसफर स्वाइप बैंक का ट्रांसफर चार्जेस हम यहाँ पे रख सकते हो, वो पूरे ऑप्शंस हैं। लोगो फेविकॉन आपको चेक करना है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में रजिस्ट्रेशन आपको इनेबल डिसेबल करना है, ब्रांच यूजर्स आ जाते हैं, फोर्स एसएसएल है, अग्री पॉलिसी है, आपकी KYC वेरिफिकेशन है वो आपको डालना है, ईमेल है, नोटिफिकेशन आ जाता है, डिपॉजिट विदड्रॉल, आप इसमें से कोई सर्विस डिसेबल भी करते हो तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे ओन बैंक अकाउंट, अदर बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, वो सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं। KYC सेटिंग्स है तो अपना KYC का फॉर्म आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, आधार का नंबर डाला हुआ है हमने, नेम ऑफ मदर, जेंडर और आपको जो भी डालना है यहाँ पे क्लिक करेंगे सेम वे रहता है। एक्सटेंशन का देता है, लैंग्वेज है तो मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, आप यहाँ पे लैंग्वेज डाल पाओगे। SEO है तो SEO को मैनेज करना है, नोटिफिकेशन सेटिंग्स है तो यहाँ पे आपको ईमेल की सेटिंग्स है, SMS आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, PHP SMTP जो डालना है वो डाल सकते हो, ग्लोबल सेटिंग्स को मैनेज करना है वो आप कर पाओगे, पुश नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन के टेम्पलेट आ गए वो आप यहाँ पे इसी के थ्रू बना पाओगे, इसके बाद मैनेज आपको टेम्पलेट करना है, पेजेस बनाने हैं, सेक्शंस हैं, सेक्शन आप अपडेट कर पाओगे, मेंटेनेंस मोड है, GDPR कुकी है, यहाँ पे आप बाकी चीज़ें मैनेज कर सकते हो।
इसका यहाँ सिस्टम में एप्लीकेशन सर्वर को आपको डालना है, वो आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह करने हैं वो आप कर पाओगे, वो आ जाएगा पूरा। ओके तो इसके बाद यहाँ पे आप बाकी की चीज़ें हैं तो इसमें बताने के लिए इतना ही है, कुछ भी करिए रहता है आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।